गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज निशा धीर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर नंबर 3 विच इज इन योर EBS बुक द ग्रीन हाउस। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक एंड द नेम ऑफ द लेसन इज टुगेदर इन माई वर्ड। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट नेबर्स friends and other people around us. So let's start. My corner. Tick the things you love doing with your friends. Here we have some options. हमारे पास यहाँ पे some options हैं कि हमें अपने friends के साथ क्या करना अच्छा लगता है। तो आपको जो आपके friends के साथ करना अच्छा लगता है उस पर आपने टिक करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्ले। सो डियर स्टूडेंट्स, डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स? येस, सो टिक हियर। नेक्स्ट इज फाइट। डू यू लाइक टू फाइट विद योर फ्रेंड्स? नो, सो क्रॉस हियर। नेक्स्ट इज लाफ। येस, वी लव टू लाफ विद आवर फ्रेंड्स, सो टिक हियर। नेक्स्ट वन इज शेयर जोक्स एंड स्टोरीज। येस, वी ऑल लव टू शेयर जोक्स एंड स्टोरीज विद आवर फ्रेंड्स, सो टिक हियर। नेक्स्ट वन इज टॉक। डू यू लाइक टू टॉक विद योर फ्रेंड्स? येस, सो टिक हियर। Share. Yes, dear students, do you like to share your things with your friends? Yes. Yes, we all love to share things with our friends, so tick here. Celebrate festivals. Yes, we all love to celebrate festivals with our friends, so tick here. Next one is eat food. Yes, we love to eat food with our friends. So let's start reading. We live with our family members. We care for them. We look after each other and help one another in different ways. So dear students, as you know, in chapter number 2, we learn about the family. So we all live in a house with our family. We care for them and help each other in different ways. Similarly, we have other people living near us. We should be loving, caring, and kind towards them. Okay, the next topic is neighbors. The area near and around our house is called our neighborhood. People who stay in our neighborhood are our neighbors. So as you know, we live with our family in a house. Many other families also live near our house. These families are our neighbors. सो हम अपनी फैमिली में रहते हैं ना, तो हमारी जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं, वैसे ही हमारे हाउस के नियर सम अदर फैमिलीज भी रहती हैं, तो वो हमारे नेबर्स होते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर। गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। वी वर्क टुगेदर इन आवर नेबर्स टू मेक द नेबरहुड क्लीनर, ग्रीनर एंड बेटर। सो Neighbors play an important role in our social life. Good neighbors can make our life pleasant. We should share things with our neighbors. We should be polite with each other. It is very important to have good neighbors. We should help our neighbors and also share things with them. So, हमारे जो neighbors होते हैं, हम उनको कब मिलते हैं? हम उनके साथ मिलके festivals celebrate करते हैं, है ना? और हमें अपने neighbors की help भी करनी चाहिए। जब different या difficult time होता है, तो हमारे neighbors हमारी help करते हैं। और हमारे neighborhood को clean, green and better बनाने के लिए हम एक साथ मिलके अपने neighbors के साथ काम करते हैं। We must greet our neighbors when we meet them. We should be kind and polite towards them. We should never disturb each other by playing loud music. तो जब हम अपने नेबर से मिलते हैं
तो हमें उनको विश करना चाहिए, जैसे लाइक आप गुड मॉर्निंग विश करो उनको, आफ्टरनून एंड गुड नाइट. तो हमें जब भी हमारे नेबर्स मिलते हैं तो उनको हमें विश करना चाहिए और हमें उनसे पोलाइटली बात करनी चाहिए और उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लाइक लाउड म्यूज़िक प्ले करके उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेंड्स. फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट पीपल इन आर लाइफ. इट इज़ नाइस टू हैव फ्रेंड्स. वी मेक फ्रेंड्स इन स्कूल एंड ऑल्सो इन आर नेबरहुड. वी विजिट ईच अदर डूइंग फ्री टाइम और ऑन स्पेशल ओकेजन्स. तो हमारी लाइफ में फ्रेंड्स का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है. हमें बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स बना के. हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्जॉय करते हैं, उनके साथ प्ले करते हैं. जब हम फ्री टाइम होता है उनके साथ प्ले करते हैं, है ना, और हम उनको फेस्टिवल्स स्पेशल ओकेजन्स पे मिलते हैं. हमारे फ्रेंड्स कहाँ पे होते हैं? हमारे फ्रेंड्स स्कूल्स में भी होते हैं और हमारे नेबरहुड में भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं और हम उनके साथ बहुत इन्जॉय करते हैं. वी प्ले टॉक एंड गो ऑन पिकनिक्स एंड आउटिंग विद आर फ्रेंड्स. दीज एक्टिविटीज आर ऑल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. सच एक्टिविटीज मेक अस फील रिफ्रेश्ड एंड रिलैक्स्ड. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन? वी नीड सम टाइम फॉर आर सेल्फ टू एंजॉय. सो इट्स कॉल्ड रिक्रिएशन. रिक्रिएशन मेक अस फील फ्रेश एंड हैप्पी. आफ्टर रिक्रिएशन वी गेट मोर एनर्जी टू डू आर वर्क वेल. व्हाट कैन वी डू फॉर रिक्रिएशन? फॉर रिक्रिएशन वी डू सम इंडोर गेम्स एंड सम आउटडोर गेम्स. यस, वी लव प्लेइंग डिफरेंट गेम्स विद आवर फ्रेंड्स. इंडोर गेम्स आर गेम्स वी प्ले इनसाइड द हाउस और स्कूल. बोर्ड गेम्स सच एज लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, कैरम, टेबल एंड चेस आर पॉपुलर इंडोर गेम्स. सो व्हाट आर द इंडोर गेम्स? Indoor games can be done inside the house. We play games like chess, snake and ladders, carom, scrabble. We also watch television. We also listen to music. We can sing, we can dance. We also do drawing and craft activities. So these all are known as the indoor games. तो indoor games कौन सी होती हैं? जो हम अपने house के अंदर play करते हैं उनको हम indoor games बोलते हैं. Next is outdoor games. The games that are played outside the buildings in open spaces are known as outdoor games. Badminton, cricket and football are popular outdoor games. So, what are the outdoor games? Outdoor games are done outside our house to enjoy. We go to the park and play. Okay, तो outdoor games क्या होती हैं? जो हम अपने house के बाहर कहीं पे playground में या park में हम play करते हैं उनको outdoor games बोला जाता है. बैडमिंटन, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर पॉपुलर आउटडोर गेम्स. तो बैडमिंटन, क्रिकेट एंड फुटबॉल ये आउटडोर गेम्स हैं क्योंकि ये हाउस के बाहर प्ले की जाती हैं. कहाँ पे प्ले की जाती हैं ये सब? यस, ग्राउंड में. तो ये क्या है? आउटडोर गेम्स. नेक्स्ट, अदर पीपल अराउंड अस. There are some of us who are differently abled. Some of these people may not be able to use one or more of their body parts properly. They might not be able to see, hear or speak. So what's the meaning of differently abled?
Differently able is a situation in which an individual is unable to perform his daily life activities in a manner which is considered normal for a human being. Disabled people are some people who cannot see, who cannot hear, who cannot speak, or who cannot walk like everyone else. They are differently able persons. सो डिफरेंटली एबल पर्सन कौन होता है, जैसे सम पीपल होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, लाइक सम पीपल कैनॉट सी, सम पीपल कैनॉट हेयर और स्पीक, सो दे आर नोन एज द डिफरेंटली एबल पर्सन्स. सम ऑफ देम माइट नॉट बी एबल टू वॉक, दे मे नीड to use a wheelchair to move around. तो some जो differently able people होते हैं उनमें से जो कुछ लोग हैं वो properly walk नहीं कर सकते, तो उन वो क्या use करते हैं walk करने के लिए, wheelchair. So look here in the picture. In this picture a boy, he is differently able. He cannot walk properly, so he use wheelchair to move around. All these people are called differently abled people. However, differently abled people find their own ways of doing things. All we need to do is to encourage them and be kind. So, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं तो वो उनकी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो वो अपने थिंग्स, अपना जो काम है वो कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पीपल हु कैनॉट वॉक, दे मे नीड टू यूज़ अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड. ठीक है, तो जैसे जो लोग वॉक प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं तो वो अपना काम करने के लिए, मूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो व्हील चेयर यूज़ करते हैं. सो ऐसे डिफरेंटली एबल पर्सन्स की हमें हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए काइंड हमें रहना चाहिए और उनको ऑलवेज इनकरेज करना चाहिए. वी हैव एल्डरली पीपल सच एज अवर ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद और नियर अस. वी मस्ट गिव देम टाइम. They feel loved when we sit and talk to them at home. We can take care of the elderly by giving them food, medicines, and other things they need. We should not talk loudly or make noise when they are resting. So, dear students, हमारे हाउस में या हमारे हाउस के नियर एल्डरली पीपल भी रहते हैं. लाइक हमारे घर में कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, तो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, हमें उनके पास जाके बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए. जब हम उनके साथ जाके बैठते हैं और उनसे बातें करते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है और हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको फूड देना, फूड दे के, या जब उनको मेडिसिन चाहिए होती है तो हम उनको मेडिसिन दे सकते हैं, और जो उनको थिंग्स चाहिए होते हैं हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ऐसे हम अपने एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं हाउस में, और जब हमारे एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें लाउडली नहीं बोलना चाहिए और उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. सो आई थिंक ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ़.